हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है लंडन फील्ड्स, और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में जो है 3.9 आउट ऑफ 10 स्टार। इस मूवी में लड़की को अपनी डेथ के बारे में पता होता है, इसलिए वो तीन लोगों के साथ मज़े करती है। अब आगे क्या होगा यही हम इस मूवी में देखेंगे। मूवी के स्टार्ट होते ही हम निकोला नाम की बंदी को देखते हैं। वो हमसे कहती है उसे जगह पता है, मोटिव पता है, उसे अपनी मौत के बारे में पता है, लेकिन उसे कौन मारने वाला था ये उसे अब तक पता नहीं है। वो एक गाड़ी में किसी को देखती है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। फिर यहीं से इस मूवी का फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। ये स्टोरी हमें एक राइटर बता रहा है जिसका नाम सैमसन होता है। सैमसन को अपनी स्टोरी लिखने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए वो लंदन आ चुका है। लंदन में वो अपने फ्रेंड दूसरे राइटर के घर पर रहता है और ये राइटर न्यूयॉर्क में रहने चला गया है। इस राइटर का घर सैमसन को बहुत अच्छा लगता है। जिस राइटर का ये घर है उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम कीथ है। सैमसन को यहाँ कुछ पता नहीं था, उसे सिटी में घूमने के लिए थोड़ी हेल्प चाहिए थी, जो हेल्प कीथ करता है। अगर सिटी के बारे में स्टोरी जाननी हो तो पब से अच्छा प्लेस कोई भी नहीं होता, इसलिए लोग पब में आते हैं। पब में आने के बाद कीथ का एक अमीर फ्रेंड है जिसका नाम गाय होता है। गाय और सैमसन एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। बात करते हुए कीथ अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। एक्चुअल में उसने बहुत सारे पैसे लोन पर ले लिए थे। ये पैसे चुकाने के लिए उसने किसी और से पैसे लिए। ऐसे करते हुए उसने काफ़ी सारे लोगों से पैसे ले लिए थे। उसे कोई ना कोई मारने के लिए आएगा। इस परेशानी में उसकी ज़िंदगी कट रही थी। इस बार उसने जिससे पैसे लिए थे उसका नाम चीक था। वो बहुत ही डेंजरस आदमी था। कीथ एक्चुअल में डार्ट्स का चैंपियन था। जब वो लोग बात कर रहे थे तभी अचानक से एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की बार में आई। इसका नाम निकोला था और सारे लोग इसे ही देख रहे थे। निकोला को देखते ही कीथ उसे अप्रोच करता है। सैमसन को निकोला में अपनी मेन करेक्टर देखी। गाय को लगता है निकोला किसी को भाव नहीं देगी, लेकिन फिर भी कीथ का कॉन्फिडेंस कम नहीं होता। निकोला अभी अभी एक फ्यूनरल से आई थी। कीथ निकोला से कहता है इस ड्रेस में तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। निकोला भी एक टाइम पर गाय और कीथ दोनों से बात कर रही थी। सैमसन हमसे कहता है इसी लड़की की वजह से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। निकोला जब पब से निकलती है तब कीथ भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। वो फ्लावर्स खरीदता है और उसे गिफ्ट करता है। निकोला उससे कहती है अगर ये धूप में आ जाए तो ये मुरझा जाएंगे। ये कहने के बाद वो आगे चली जाती है। कीथ फिर भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक आता है। गाय भी निकोला में बहुत ही इंटरेस्टेड था, वो भी उसका पीछा करता है। वो कहाँ रहती है सैमसन सरप्राइज होता है। वो जिस बिल्डिंग में रहता है उसी बिल्डिंग में निकोला भी रहती है। अगले दिन सैमसन राइड करने का ट्राई कर रहा था लेकिन उससे कुछ भी नहीं लिखा जाता। उसने निकोला को घर से बाहर निकलते हुए देखा। वो उसका पीछा करता है और देखता है निकोला कुछ और डॉक्यूमेंट्स डस्टबिन में डाल रही है। वो आगे चली जाती है। फिर सैमसन उन्हें निकाल कर सारी चीज़ें देखता है। ड्राइंग और डॉक्यूमेंट्स में निकोला ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। सैमसन को पता चलता है जब निकोला छोटी थी तो उसकी फ्रेंड की डेथ के बारे में उसे पता था। जैसा उसने सपने में देखा था उसी तरह से उसकी फ्रेंड की डेथ हो गई। बाद में उसे अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में सपना आया। उसके पेरेंट्स की भी डेथ वैसे ही हो गई। उसे लगता है सब लोग उसे छोड़कर चले जाने वाले हैं तो किसी से प्यार क्यों किया जाए। इन सब में निकोला ने अपनी भी डेथ के बारे में लिखा हुआ था। उसे उसकी डेथ कहाँ होने वाली है, कैसे होने वाली है, ये सब कुछ पता था। ये सब पढ़ने के बाद सैमसन डायरेक्टली निकोला के पास आ जाता है। वो उसे कहता है मैं तुम पर बिलीव करता हूँ, और वो कहता है तुमने जब लिखा है तो तुम्हें पता होगा तुम्हारा मर्डर कौन करने वाला है। निकोला कहती है मुझे सिर्फ विजन आते हैं, कल मैं उससे मिली थी लेकिन मुझे पता नहीं वो कौन है। उसका मतलब था गाय और कीथ, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। सैमसन को इन सारी सिचुएशन में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी दिखती है। वो निकोला से पूछता है क्या तुम मुझे तुम्हारे बारे में लिखने दोगी। निकोला इसके लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में हम देखते हैं निकोला ने कीथ को बुलाया हुआ था। उसे पैसों का प्रॉब्लम था तो निकोला उसे अपनी चीज़ों में से पुरानी चीज़ें उसे दे देती है ताकि वो सेल कर सके। इसके बदले में वो उसे कहती है तुम्हारा जो फ्रेंड गाय है उससे मेरी बात करवा दो। कीथ इसे सुनकर सरप्राइज्ड होता है। फिर इसके बाद वो गाय से मिलने के लिए आ जाता है। वो उसे बता देता है निकोला को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। गाय के घर पर हम देखते हैं उसकी वाइफ और एक बेटा है। उसका बेटा एबनॉर्मल था और आज उसे पूरे दिन अपने बेटे का ख्याल रखना था, लेकिन गाय कीथ से कहता है तुम इसका ध्यान रखो और मैं निकोला से बात करता हूँ। निकोला और गाय फोन पर बात करके एक जगह मिलने का डिसाइड करते हैं। जो भी हो रहा था ये सब सैमसन निकोला के घर में रहकर ही देख रहा था। उसे लगता है निकोला एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है, दो लड़के और एक लड़की
इसमें कोई ना कोई तो हर्ट होने ही वाला था। निकोला और गाय मिलने के बाद एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं। निकोला कहती है, मैं इंडिया में एक ऑर्फनेज में काम कर रही थी, वहाँ पर उसे एक लड़की मिली थी जो उसकी अच्छी फ्रेंड बन गई थी। निकोला को फिर से अपनी कंट्री वापस लौटना पड़ा। जब बाद में निकोला ने उस लड़की के बारे में पता किया, तब एक अरब ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। अडॉप्ट करने के बाद उसने उससे शादी कर ली और उन्हें एक बेटा भी है। निकोला ने जब उस लड़की के साथ कांटेक्ट किया, तब उसे पता चला वो लड़की वहाँ पर फंसी हुई थी। वो वहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन अचानक से उस लड़की का कांटेक्ट चला गया था। निकोला उस लड़की को लंदन में बुलाना चाहती थी, लेकिन कुछ ऑफिशियल इशूज आ रहे थे। फिर फाइनली निकोला गाय से हेल्प मांगती है। वो उसे कहती है, उसे लोकेट करने में मेरी हेल्प कर दो। गाय भी निकोला को पसंद करता था, इसलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। डिनर करते हुए निकोला कहती है, मुझे लगता है हम दोनों बहुत ही सेम हैं। उसे रोमांटिक चीज़ें बहुत पसंद हैं। आज गाय के साथ मिलकर उसे बहुत ही अच्छा लगा। सैमसन ये सब देखकर निकोला को कहता है, तुम्हें मारने वाला गाय होगा, वो तुम्हारे प्यार में पड़ रहा है, प्यार की वजह से ही ये सब हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं सैमसन और कीथ जब ये दोनों हैंग आउट कर रहे थे, तब वो गुंडा जिसका नाम चीक होता है वो उसके पास आया। चीक कीथ से कहता है, जिन भी लोगों से तुमने पैसे लिए थे इन सबको मैंने पैसे पे कर दिए हैं, अब तुम सिर्फ मुझे सारे पैसे दोगे और अब तुम किसी से पैसे नहीं मांग सकोगे। एक्चुअल में चीक और कीथ डार्ट्स में एक दूसरे के कंपटीटर हैं। अगर कीथ ने पैसे नहीं दिए तो चीक उसे हर्ट कर देगा, इस वजह से उसे जीतना ही था, इसलिए वो बहुत ही बड़ी ट्रबल में था। एक दिन कीथ का कंपटीशन देखने के लिए निकोला और गाय एक साथ आते हैं। कीथ को जेलस फील कराने के लिए निकोला गाय का हाथ पकड़ लेती है। कीथ गुस्सा हो जाता है और अपने आप को प्रूव करने के लिए ये गेम जीत जाता है। निकोला फिर से कीथ को मिलने के लिए बुलाती है और उससे कहती है, गाय मेरी हेल्प कर रहा है, मुझे 60,000 मिलने वाले हैं, इसमें से $30,000 तुम्हारे हो जाएंगे, तुम सिर्फ मेरी हेल्प करते रहो। यहाँ पर हम देखते हैं निकोला कीथ को भी अपने प्यार में रखने की कोशिश कर रही है। इसके बाद गाय ने कीथ को निकोला के घर से निकलता हुआ देख लिया, वो उस पर शक करता है, लेकिन बाद में निकोला इस तरह से प्रिटेंड करती है कि उनके बीच में कुछ हुआ ही नहीं। गाय निकोला से कहता है, मैंने तुम्हारे फ्रेंड को ढूंढने का बहुत ट्राई किया लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रही। निकोला को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी इयररिंग्स निकालती है और गाय को दे देती है और वो उससे कहती है, इनकी कीमत $60,000 है, ये इयररिंग्स वो अपने किसी फ्रेंड को जो फॉरेन एक्सचेंज में रहता है उसे देने वाली थी। उस फ्रेंड ने उस लड़की और उसके बेटे के बारे में पता किया था, उन्हें निकालने के लिए उन्हें और 60,000 लगने वाले हैं। और वो गाय से ये भी कहती है, ये मेरे ग्रैंड मदर के थे। गाय कहता है, टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इयररिंग फिर से वो निकोला को पहना देता है। निकोला गाय के सामने प्रिटेंड करती है कि फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर से वो मिल रही है, लेकिन एक्चुअल में वो उसके सर्वेंट को पैसे दे रही थी। ये पूरे $60,000 उसे गाय ने ही दे रखे थे। सारी चीज़ों को देख कर सैमसन निकोला को समझाने की कोशिश करता है, तुम जी सकती हो, कोई भी चीज़ लिखी हुई नहीं होती, तुम जो भी कर रही हो ये सब कुछ बंद कर दो। निकोला कहती है, सब कुछ लिखा हुआ है, अगर वो चाहे तो भी कुछ नहीं बदल सकती। हमेशा एक साथ रहते हुए सैमसन और निकोला भी एक दूसरे के करीब आ गए थे। निकोला उसे किस करने का ट्राई करती है, लेकिन सैमसन उसे रोक लेता है। निकोला सैमसन से कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम किसी बीमारी से मर रहे हो और इससे पहले नोवेल को कंप्लीट करना चाहते हो, और ये बात सच थी। निकोला कहती है, पहले मैं जाती हूँ, इसके बाद तुम आना और मेरे नोवेल को कंप्लीट कर देना। फिर रात में निकोला गाय को कॉल करती है और कहती है, मैं ये सब तुम्हारे साथ नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी और हम दोनों फिर से कभी नहीं मिलेंगे। गाय इस बात से डिस्टर्ब हो गया था और कीथ रात में निकोला से मिलने के लिए आया हुआ था। वो कहता है, तुमने गाय से पैसे लिए लेकिन मुझे उसमें पार्टनरशिप नहीं दी। निकोला कहती है, तुम्हें सारे पैसे मिल जाएंगे, तुम्हें थोड़ी और हेल्प करनी होगी, तुम गाय से जाकर कहो कि मैं बहुत ही अपसेट हूँ, मैं वैसे भी निकल जाने वाली हूँ, और वो भागता हुआ मेरे पास आ जाएगा। कीथ भी ऐसा ही करता है और सारी चीज़ें गाय को बता देता है। फिर गाय एक्चुअल में निकोला के पास आ जाता है। गाय कहता है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता, वो उसे बहुत ही लाइक करता था। वो दोनों करीब आ गए और इंटीमेट हो गए। एक रात जब निकोला और सैमसन हैंग आउट कर रहे थे, वो उसके पास आकर कहती है, हम दोनों में एक बार तो कुछ ना कुछ होने वाला है, इसे तुम ज़्यादा रिजिस्ट मत करो। फिर उसके साथ वहीं पर वो इंटीमेट हो जाती है। निकोला गाय कीथ और सैमसन तीनों को एक साथ दबाकर दे रही थी। अगले दिन
निकोला कीथ को डिस्टर्ब करने के लिए डायरेक्टली उसके घर पर आ जाती है। कीथ की वाइफ के सामने वो कहती है, मैं चाइल्ड सपोर्ट से हूँ, मैं कुछ इंस्पेक्शन करना चाहती हूँ। कीथ इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और निकोला को बाहर लेकर आता है। उसने कहा, अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर निकोला कीथ को पैसे दे देती है। निकोला हमेशा कीथ को रिझाती है और दूर कर देती है। पैसे लेकर जब कीथ जा रहा था तब अचानक से चीख और उसके आदमी उसे उठा लेते हैं, वो उसे मारने वाले थे। फिर कीथ ने उसे सारे पैसे दे दिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं, आज इनका बहुत बड़ा कंपटीशन है जिसे नेशनल कवरेज मिलने वाला है। कीथ के इस कंपटीशन में गाय भी आया हुआ था। फिर कीथ का एक फ्रेंड गाय से बात करता है और कहता है कीथ का आजकल एक अफेयर चल रहा है, इसके बारे में वो उसे और पता करता है। तब गाय रियलाइज़ करता है ये निकोला ही है, इससे वो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं, घर पर सैमसन अपने राइटर फ्रेंड की बुक देख रहा था जिसमें उसे कुछ फ़ोटोज़ मिलती हैं। उसका राइटर फ्रेंड और निकोला एक साथ थे। इस फोटो को देखकर सैमसन भी हर्ट हो गया। फिर गाय डायरेक्टली निकोला के घर पर पहुंच जाता है। वहां पर कीथ भी था। उसके निकल जाने के बाद गाय निकोला से पूछता है, वो यहाँ क्या कर रहा था? निकोला कहती है, मैं उसे टीच कर रही हूँ। फिर गाय उस पर शक करके पूछता है, उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? फिर निकोला ऐसा दिखाती है कि इस बात को सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गई है। वो कहती है, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? फिर गाय को ये गिल्टी लगता है कि उसने निकोला पर शक किया। इसके बाद ये दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। फिर गाय कहता है, मैं अपनी वाइफ को छोड़ दूंगा, फिर हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। अगली सुबह सैमसन निकोला के पास आता है। वो कहता है, मेरे राइटर फ्रेंड ने तुम्हारे बारे में नहीं लिखा था। निकोला कहती है, वो मुझसे डरता था, बिना कहानी कंप्लीट किए वो भाग गया। एक्चुअल में निकोला सैमसन के राइटर फ्रेंड से बहुत प्यार करती थी। अगले सीन में गाय ने अपनी वाइफ को अपने अफेयर के बारे में बता दिया, उसे उस अफेयर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में हम देखते हैं कि कीथ के फाइनल कंपटीशन का दिन आ चुका है। निकोला ने गाय को एक बुक भेजी जिसमें उस बुक के करेक्टर का नाम और निकोला के फ्रेंड का नाम दोनों सेम थे। गाय समझ गया निकोला ने उसे फंसा कर रखा है। वो सारी बातें उसने जो उससे कही थी ये सारी झूठ थी। ये सब होने के बाद गाय को बहुत बुरा लगता है। आज रात निकोला गाय को छोड़कर कीथ को सपोर्ट करने के लिए उसके कंपटीशन में आई हुई थी। चीख भी निकोला को नोटिस करता है, उसे भी वो बहुत अच्छी लगती है। कंपटीशन स्टार्ट होने के बाद निकोला कीथ के सामने चीख के साथ फ्लर्ट करती है। ये देखकर कीथ डिस्टर्ब हो गया और अपने गेम पर कंसंट्रेट ना करते हुए वो हार जाता है। निकोला को कन्फ्रंट करने के लिए गाय भी यहाँ पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं निकोला के लिए गाय, कीथ और चीख ये तीनों लड़ रहे थे। ये सब बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। कीथ अब जाकर निकोला को मारने वाला था लेकिन गाय उसे रोक लेता है और बातों बातों में इन दोनों की फाइट भी हो जाती है। गाय उसी कार में बैठा था जहाँ पर निकोला की डेथ होने वाली थी। सैमसन गाय के पास आया और कहता है, यहाँ से चले जाओ, तुम जो भी करने वाले हो ये गलत है। गाय कहता है, उसने मेरा बहुत ही बुरा हाल किया है। सैमसन उसे समझाता है। फिर गाय वहाँ से चला जाता है। निकोला जब घर पर आई थी तब वो गाड़ी देखकर उसमें बैठ जाती है। उसने सैमसन को देखा और कहा कि हमेशा से तुम ही थे जो मुझे मारने वाले थे। सैमसन निकोला से बहुत प्यार करने लग गया था। सैमसन को लगता है, अगर गाय और कीथ इन दोनों में से किसी ने निकोला को मार डाला तो इस बुक की एंडिंग अच्छी नहीं रहेगी। निकोला की डेथ जो उसे प्यार करता है अगर उसके हाथों से हो तो ये परफेक्ट एंडिंग होगी। फिर इसी वजह से सैमसन ने निकोला को गाड़ी में आने के बाद मार डाला। फिर सैमसन निकोला को अपने घर पर लेकर आया। उसके बाद जो भी हुआ था ये सारी स्टोरी उसने लिख डाली। इस बुक को कंप्लीट करके वो भी गोलियां खाकर निकोला के पास लेट जाता है और सुसाइड कर लेता है। इसके बाद सैमसन का राइटर फ्रेंड घर पर आया और उस बुक को देखकर उसे पब्लिश कर दिया। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।